गोरखपुर उत्तर प्रदेश सीएम का नामांकन सांगरे थिले गृहमंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान नामांकन सह बीजेपी शक्ति प्रदर्शन नामांकन पूर्व विरोधी गर्जी गृहमंत्री अमित शाह एवं योगी आदित्यनाथ अमित शाह कहते डबल इंजन सरकार काल में यूपी में माफिया राज बंद हो उत्तर प्रदेश में चली आईन राजुति प्रधानमंत्री पछुआ गरीब दलितों पर अनेक योजना करसबू योजना कार्यकारी करिपारे उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन हो उत्तर प्रदेश विकास नहले देशर विकास संभव विरोधी जिते अपप्रचार कले भी एथर भी एनडीए 300 पार सीट हासिल करपरी देशर आतंकवाद हटावा और भव्य श्री राम मंदिर होगा प्रसंग उठाई योगी आदित्यनाथ प्रार्थीपत्र दाखल पूर्व मंदिर में पूजार्चना करते योगी कहले बिना भेदभाव आस्थार सम्मान सुरक्षार ग्यारंटी हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रारंभ से था लेकिन एक जीवंत संगठन होना चाहिए और अपने दम पर अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर के न केवल देश के सबसे बड़े राज्य में अपना वर्चस्व और अपनी ताकत का दिखाएगा उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में माननीय अमित शाह जी ने जब 2013 में इस दायित्व का निर्वहन किया तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 3/4 से अधिक सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा की दिलवा करके उस समय अपने कुशल संगठन क्षमता और भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास अपने राजनीतिक विरोधियों को कराया था और 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी और भाइयों बहनों 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता खत्यार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है और स्थान भी इतना पवित्र है शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। मित्रों, गोरक्षनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरक्षनाथ जी और कबीरदास चारों की कर्म भूमि रही है गोरखपुर में। आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे 2013 भी याद आता है।
2013 में मुझे जब भाजपा का प्रभारी बनाया गया तब द्वेष भर के और विशेषकर दिल्ली के पत्रकार कहते थे आपको किस जगह पे भेज रहे हैं जहां भाजपा शायद इस चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। खैर मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए, उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता, यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया।